तेजस्वी प्रसाद के बदले हुए वक्त और पलटी हुई बाजी की वजह से बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अब एक नई सियासत देखने को मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक समेत कई बड़े नेता को अपना सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार सरकार की तरफ से सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें आवास ना खाली करने पर जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव को भी इसी स्थिति में साल 2018-19 के दौरान गुजरने को मिला था, जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था। जब नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी का हाथ झटक कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, तब तेजस्वी यादव को भी ऐसे ही जबरन निकाला गया था। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए अपने डिप्टी सीएम आवास में देश रत्न मार्ग को आलीशान तरीके से सजाया था। इसके इंटीरियर और सजावट पर काफी खर्च किया था, जिस पर खूब राजनीति भी हुई। बंगला खाली ना करने को लेकर वह कोर्ट भी गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया और रातों रात उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पद और मंत्रालय मिल गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने सरकारी बंगला नहीं आवंटित किया गया है। दरअसल इस बंगले में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद रह रहे हैं। यही हाल पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भी है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी और विजय सिन्हा सहित 5 लोगों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश भेजा गया है। जिस बंगले में तेजस्वी यादव ने सजाया था, उसे खाली करने के लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। यह जुर्माना कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया था। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी का कहना है कि उनके पास जो खाली करने का नोटिस आया है, उसके साथ जुर्माने का भी नोटिस भेजा गया है। इसमें 30 गुना से अधिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 2,36,000 का जुर्माना का नोटिस उनको दिया गया है। अब इस राशि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी ने किस कदर राजनीति विषाद को पलट दिया है। 50,000 के जुर्माने के एवज को 5 साल में रेणु देवी पर 2,36,000 का जुर्माना ठोका गया है। खबरों की माने तो विभाग से मिली एक जानकारी के अनुसार ट्रांसफर होने के बाद किसी भी मंत्री को अपने सरकारी आवास में लगभग 1 महीने तक रहने की अनुमति दी जाती है, पर विपक्ष का साफ साफ कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश है। बीजेपी के नेताओं को ऐसा आवास आवंटित किया गया है जो रहने योग्य नहीं है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि बीजेपी का कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा जो सरकारी आवास में तेजस्वी यादव की तरह जबरदस्ती रहना चाहता होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बीजेपी नेताओं को आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया है, पहले उनके नाम से जो भी आवास आवंटित किया गया है, उन्हें रहने लायक तो बना दिया जाए। ऐसा तो सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग अवैध तरीके से सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार को सभी को एक बराबर सहूलियत देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।